अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिटी आवाज़ न्यूज़। मैं मोहम्मद इश्तियाक मलक खबर शामिल करते हैं चिनौट से, जहां हमारे ब्यूरोची रिपोर्ट कर रहे हैं मलक मकसूद चिनौटी। जी इस वक्त हम मौजूद हैं मल्ला मुस्तफ़ाबाद रेलवे स्टेशन के पास। जी यहां के लोगों से जानते हैं वो यहां पे किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जैसे कि यहां पे आपको अगर कैमरा मैन दिखा सके तो यहां कचरे के भी आलूदगी की वजूहत की वजह से अपना लोग परेशान हैं। और जैसे बारिश हो जाए, बारिश की वजह से यहां के जो झोपड़ी वाले या और दूसरे आने जाने वालों के भी रास्ते में आने जाने का सबब बनता है। ये मेरा नाम अहमद अली है, मैं इधर कम रहती हूँ। इधर बहुत गंदगी है, एल इलाका का सारा गंद इधर फेंकते हैं, जिससे हमें सख्त तकलीफ परेशानी का सामना पड़ता है करना पड़ता है। तो बराए मेहरबानी हमारी रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से कि इसको सफाई करें और हमारे बच्चों को बीमारियों से बचाएं। जी आइए हम और भी दोस्त करें, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस इलाके के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट रोड के डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लाइन की दूसरी साइड पे एक बहुत अच्छा पार्क बना है, तो हमारे MNA कैसे शेख साहब की काफियों से बना है, तो हमारी ये चॉइस है, ये देख लें हमारे इस तो इधर भी एक पार्क बन जाए तो हमारे बच्चों के लिए और हम सब के लिए ये बहुत बेहतर होगा। क्या ये जल्दी ही देख लें कहता हूँ, और वजीर आला सरदार बुलदार साहब से भी कि ये हमारी नंबर रिक्वेस्ट है कि हमारा ये दरीना मुतालबा जो है ना वो पूरा करें। शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ के लोग अपना किस तरह ऐसे परेशानी के समय में होने वाले हैं, जैसे कि डेंगू वायरस वगैरह जैसी भी चीज़ें यहाँ पर चलने लगती हैं, लेकिन हम यहाँ के DCO साहब से अपील करते हैं और हम यहाँ की आवाम से अपना मुतालबा है कि बच्चे यहाँ से ही सफाई वगैरह और अपना यहाँ पे पार्क किया जाए, जिसकी वजह से हमारे बच्चे यहाँ पे खुशहाल रह सकें। मलिक मकसूद डिस्ट्रिक्ट मलिक मकसूद।